जहां आज पूरे विश्व में अंधश्रद्धा एक विकराल रूप धारण किए हुए है। कोई कावर लेने जाता है, कोई मंदिरों में जाता है, और वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज के समर्थक एक आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन करते हैं। यहाँ पर संत जी के समर्थक खड़े हैं, आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं। यहाँ पे भक्तों के लिए सारी व्यवस्था की गई है, पंडाल की सेवा लगाई गई है, पंडाल में सब भक्तों को तरीके से बैठाया गया है, माइयों को अलग स्थान पर बैठाया गया है, भक्तों को अलग स्थान पर बैठाया गया है, और चायराम की सेवा है, जलराम की सेवा है, पार्किंग की सेवा करी गई है। जितने भी वाहन बाहर से आने हैं उन सबके लिए यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं लगातार ये जो वॉलंटियर हैं अपनी ड्यूटी दे रहे हैं ताकि बाहर से कोई शरारती तत्व अंदर ना प्रवेश कर सके। सेवा करी गई है भक्तों द्वारा, सारी सेवाओं को बड़े ही विनयपूर्वक से संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में किया जा रहा है। कि जैसे अंधश्रद्धा एक विकराल रूप धारण किए हुए हमारे देश में है, वो कावर लेने जाता है, कोई पूजा करता है, कोई मंदिरों में जाता है रोज के रोज, और यहाँ पर हमें संत रामपाल जी महाराज के जहाँ भी हम सत्संग में हमारी टीम गई है तो हमें अलग ही माहौल देखने को मिला है, तो ये आप कैसे संभव कर पा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज हमारे एक ऐसे संत हैं, विश्व गुरु संत हैं, जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति देते हैं। जो भी भक्त आत्मा की भक्ति करता है शास्त्र अनुसार भक्ति करके उनको पूरा लाभ प्राप्त होता है, और इसीलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति करा करके ही सबका मोक्ष प्राप्त कराते हैं। तो सर जैसे आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जो है शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि कराते हैं, तो वो शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि क्या है उसके बारे में बताइए। तो संत रामपाल जी महाराज ने चारों वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्रों का ज्ञान कराया है, पवित्र कुरान शरीफ से, पवित्र बाइबल से, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से, और चारों वेदों से निष्कर्ष लेकर के संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान का प्रचार किया है। तो सर आप ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो ये सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार में क्या उद्देश्य है? जी सबसे अच्छा सुधार, समाज सुधार संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, नशा मुक्त कर रहे हैं, देश मुक्त कर रहे हैं, देश बिगड़ देश की शादी करा रहे हैं, जो जिनको जिन भाइयों को बुरी आदत नशा करने की है उनका नशा छुड़वा रहे हैं। अच्छा, नशा छुड़वाने की आप बात कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हो यहाँ कोई नशा नहीं करता, कोई लोग आए हुए हैं उनकी जेब में सिगरेट मिल जाए, आप कैसे कह सकते हैं? देखो जी ऐसा बात कह सकते हैं, जेब की बात रहो किसी को कोई छूता भी नहीं, यहाँ ऐसे भगत हुए हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे भगत हैं, अगर कोई यहाँ पड़ी भी हो तो भी उसको कोई छुएगा नहीं, ऐसा लगेगा टाइम बम रखा हो। यहाँ पर जो है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने एक और चैलेंज दिया है कि ये बिल्कुल नशा नहीं करते हैं, कोई सिगरेट मिलती है, कोई नशीली वस्तु मिलती है कि नहीं? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र है। तो सर आप क्या क्या नशा करते हैं? नहीं जी अब तो कोई नशा हम छूते भी नहीं है, नशा पहले बहुत नशा करते थे। तो पहले आप क्या क्या नशा करते थे? पहले तो मैं शराब हो गया, मेडिकल नशे हो गए, कैप्सूल गोलियां और ये भांग तम्बाकू सिगरेट ये सारे नशे करता था। नशा करना तो दूर रहा, अब तो छूते भी नहीं है, क्योंकि हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा है कि नशा करना तो दूर है, इन सभी चीज़ों को छूना भी नहीं है, क्योंकि नशा बुराई करना और उसमें सहयोग देना दोनों बराबर के वो हैं। तो सर जो हमने देखा है कि नशा छुड़वाने के लिए सरकार ने भी बहुत सारे नशा छुड़वाने के लिए सेंटर बना रखे हैं, तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक जो हैं केवल नाम दीक्षा लेने से बताते हैं कि इनका नशा छूट जाता है। तो सर ये नाम दीक्षा लेने से कैसे नशा छूट जाता है, ये संभव कैसे हो पा रहा है? ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई भक्ति और आशीर्वाद और जो नियम कंडीशन बताते हैं सतगुरु जी, उस पर हमें एक कदम रखना पड़ता है, चलना पड़ता है। चलने के लिए सतगुरु जी कहते हैं, हमारे गुरु जी सतगुरु रामपाल जी महाराज के, भाई आप ये सिमरन करो जो मंत्र दे रखे हैं हमारे गुरु जी ने, और आशीर्वाद देते हैं, उससे हमारे नशे सब छूट जाते हैं अपने आप। कोई अंदर कोई मन में बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती कि दोबारा हम नशे को हाथ भी लगा लें। जब तक संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में नहीं आया था तब तक मैं सभी प्रकार के नशे करता था, गुटखे खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, तम्बाकू खाना। तो अभी हम कैसे कह सकते हैं आप नशा नहीं करते हो, आपकी जेब में कहीं नशीली वस्तु पाई गई? आप बिल्कुल चेक कर सकते हो, जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो नशा करना तो बहुत दूर की बात है, किसी को बीड़ी जलाने के लिए माचिस भी नहीं देना पसंद करते, और जहाँ से कहीं धुआं भी दिखाई देता उससे भी दूर होकर चलते हैं। तो सर क्या क्या नशा करते हैं आप अभी? अभी कोई नशा नहीं करता हूँ, लेकिन पहले मैं सारा नशा करता था। सारा नशा क्या क्या नशा करते थे आप? अब फौज में तो चलती है दारू, तो वो तो वहाँ का वही है,
उसके बाद सिविल में जो कुछ भी लड़के लोग पिलाते थे वो भी पी देते थे। तो अब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने नशा सारा छोड़ दिया? मतलब इसी दिन नाम दीक्षा लेते वो अपना आप ही छूट जाता है, कोशिश करनी कोई जरूरत नहीं कोशिश करने की भी। जैसे आपने बोला कि यहाँ पे संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा अपने आप छूट जाता है, तो आपसे कितने रुपए लिए गए थे नाम दीक्षा लेने के लिए और नशा छुड़वाने के लिए? सबके अलग अलग चार्ज होते होंगे। यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य है कि सभी को पाखंड भक्ति छोड़ के सदभक्ति कराना, नशा मुक्त अपना समाज बनाना, हर किसी को सही रास्ते पे नेक रास्ते पे चलने का उद्देश्य है परमात्मा का। दहेज मुक्त समाज बनाना, नशा मुक्त समाज बनाना, इस तरह के कई ऐसे समाज को समाज के सेवक काम जो आज की सरकार नहीं कर पा रही है वो हमारे गुरुजी सदभक्ति से हमारे समाज को सुधार रहे हैं। अच्छा, जो संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य हैं जैसे, तो यहाँ पर इन सबको छुड़वाने के लिए आपसे कितने कितने रुपए लिए जाते हैं? इस सबको छुड़वाने के लिए एक भी रुपया नहीं लिया जाता है, बल्कि हमारे जो पाप कर्म होते हैं उनसे हमें मुक्ति भी दिलवाई जाती है और सदभक्ति बता के हमें इन सब चीजों से हमें छुटकारा। अब संत रामपाल जी महाराज जो है शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, तो वो क्या शास्त्र अनुकूल भक्ति है, क्या प्रमाण देते हैं आपके गुरु जी? प्रमाण यही कि ग्रंथों में जो बता रखा है कि गीता जी का सार क्या है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में क्या प्रमाण है, ये सब खोल खोल के प्रमाण दिखाते हैं परमात्मा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 में बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तू उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी शरण में जाने के बाद तुझे परम शांति व परम सुख व परम मोक्ष प्राप्त होगा। उत्तराखंड सरकार में फार्मासिस्ट और स्वास्थ्य विभाग में परमात्मा की दया से जो सद्ज्ञान है चारों वेदों के हिसाब से, पवित्र गीता से, पवित्र पुराणों से, बाइबल से, कुरान शरीफ से और गुरु ग्रंथ साहिब में जो गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं और उनका जो मेन इशारा है परमात्मा कौन है, वो परमात्मा कौन है जो सब पापों को काट के पापों को काट देता है और हमको सतलोक यानी उस स्थान ले जाता है जहाँ पर हम पहले रहते थे, जहाँ कोई मृत्यु नहीं होती थी, कोई बीमारी नहीं होती थी और बिना कुछ करे हुए हमको सब कुछ मिलता था। क्या चीज यहाँ पर कैसे जाया जा सकता है? ये सतलोक में परमात्मा ने हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि सतलोक में जो हमारे वेदों में या जितने भी धर्म हैं, जैसे सिख धर्म है तो गुरु ग्रंथ साहिब में, जैसे मुस्लिम धर्म है तो कुरान शरीफ में, और जैसे ईसाई धर्म है तो बाइबिल में, और हिंदू धर्म में जो पवित्र हमारे जितने भी होली बुक्स हैं धर्म के, उनके अंदर सब बताया गया है कि जो सतलोक है वहाँ हम रहते थे और जो प्राणी का जो स्थायी स्थान है वहाँ है, यहाँ पर तो जन्म मृत्यु 84 लाख में हम हर हमेशा भटकते रहेंगे। तो सर, जो यहाँ पे कार्यक्रम आज हुआ है तो यहाँ पे कितने लोग आए थे? यहाँ पे परमात्मा की दया से 3 से 4 हजार के आसपास भक्तात्मा आई थी जो कि संत रामपाल जी महाराज के पहले से शिष्य हैं, अपने रिश्तेदार या जानने वालों को भी लाए हैं और वो भी यहाँ पे आके परमात्मा के ज्ञान को समझ के अपना कल्याण यानी मोक्ष कराना चाहते हैं। कहना चाहता हूँ कि मनुष्य मात्र से मेरा अनुरोध है कि आपको ये 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य जीवन मिलता है और आप जी के पास ये बहुत सुनहरा अवसर है कि इसमें आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, जीवन मरण के बंधन से मुक्ति हो सकते हैं, 84 लाख योनियों के कष्ट से मुक्त हो सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझकर, ऑथेंटिक ज्ञान है अपना उसको देखें और पूरा समझ के पूरा एनालिसिस करके इस परमात्मा की भक्ति में आए और भक्ति पूर्ण करके सतलोक चले जाएं जहां परमात्मा कहते हैं कि हम सदा सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।